एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 13। द क्वेश्चन इज इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो, जीरो के बराबर, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो तो ये शो कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें। इसे सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, मैं आपको इसी वीडियो में दोनों मेथड्स बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम जानते हैं फॉर्मूला है, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जो फॉर्मूला है जनरली हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर इसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होता है फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, और ये जो हिस्सा आप देखिए ये आपको गिवन है, गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। तो आप इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जो भी है, तो पुट कर दिया ज़ीरो, इसकी जगह पर ज़ीरो मल्टीप्लाइड पर, और ये ब्रैकेट यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दैट्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, जीरो का मल्टीप्लाई इससे करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इस 3xyz इसको अगर आप उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 3xyz, और यही तो प्रूफ करना है हमें, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए यही लाना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है, ये इसका एक मेथड है, इसी को ही दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो मेथड ये वन, अब हम इसे मेथड टू से करते हैं। ओके, अब इसे मेथड टू से करें, सेकेंड मेथड। तो इसमें देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है, ज़ीरो। ठीक है, इसमें से आप किसी एक को उस तरफ भेज दीजिए पहले, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड को हमने उधर कर दिया, तो ये हो गया ये प्लस का उधर जाके माइनस का जेड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्यूब चाहिए सब में, तो हम दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं, तो जाएगा क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इसका क्यूब और यहाँ से माइनस जेड और उसका क्यूब। अब इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, जब आप इसमें रखेंगे इस फॉर्मूले को तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस फिर होता है बी क्यूब यानी वाई क्यूब, फिर प्लस का 3ab मतलब 3 दिस एक्स इंटू वाई, और फिर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी मीन एक्स प्लस वाई, और इस तरफ से आपका क्या चल रहा है, जेड का क्यूब है ना, तो माइनस जेड इंटू माइनस जेड इंटू माइनस जेड, ये कुछ इस तरह से खुलेगा तीन बार माइनस जेड। तो अब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस तो 3 यहाँ से है एक्स वाई, और ये जो है ब्रैकेट अगर आप इसको देखें तो ये रहा एक्स प्लस वाई, ये हमने माइनस जेड लिया। तो आप यहाँ से सपोज इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, ठीक है,
तो यहाँ से इसको लिख लेंगे माइनस का जेड, यानी एक्स प्लस वाई की जगह माइनस जेड रखा जा सकता है। और फिर इस तरफ चल रहा है माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस तीन माइनस है तो माइनस, फिर जेड इंटू जेड इंटू जेड, जेड क्यूब। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस और थ्री एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड बराबर यहाँ से आ गया जेड क्यूब, वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखिए अब ये हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये इसको आप उधर भेज दीजिए और इसको इस तरफ कर दीजिए अकॉर्डिंग टू जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का जेड क्यूब, और इस तरफ जो है वो ये माइनस का थ्री एक्स वाई जेड, ये उधर चले आएगा, तो माइनस का उधर जाके प्लस का थ्री एक्स वाई जेड, और यही प्रूफ करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई। तो ये हो गया प्रूफ्ड। तो ये हमारे दोनों मेथड्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।